अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ भोरा फ्राइड चिकन, जो कि मैं ड्रमस्टिक से बनाऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत ही जूसी और मसालेदार चिकन बनकर ये तैयार होती है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं भोरा फ्राइड चिकन। मैंने जो है इसके लिए ड्रमस्टिक्स ले ली हैं। आप इसके जो है चिकन के बड़े पीसेस भी बना सकते हैं। एक होल चिकन से जो है आप 6 पीसेस भी बना सकते हैं और आप जो है 12 पीसेस भी बना सकते हैं। मैंने जो है ड्रमस्टिक ले लिए हैं, तकरीबन 6-7 के करीब मैंने ड्रमस्टिक्स ले लिए, क्योंकि मुझे जो है ड्रमस्टिक्स से बनानी है। आप इसको किसी भी पीसेस से बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है इसके अंदर लिया है तकरीबन जो है मैंने 6-7 ले ली थी छोटी वाली हरी मिर्चें, बारीक वाली, अदरक ले लिया था, लहसुन ले लिया था 1-1 टेबल स्पून के बराबर, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है मैंने एक हाथों से ही जो है मैंने इसको कूट लिया था। अब जो है इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल लें और स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है कुछ ज़्यादा होगी। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है भरकर जो है मैं डाल रही हूँ रेड चिली का पाउडर, क्योंकि इसकी ही यही मसाला है इसका, और मसाला इसके अंदर कोई ऐड नहीं होगा, यही इसकी होल स्पाइसेस हैं। अब जो है इसके अंदर जा रहा है 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें। नमक मैं डालूंगी इसके अंदर हसबे जायका, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा। अगर आप जितना 1 टीस्पून खाते हैं तो आप 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दें, ताकि जो है अच्छी सी फ्लेवर वाली बने, क्योंकि इसको सिर्फ अंडे के अंदर ही कोट करना है और किसी चीज़ में कोट नहीं करना है। और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। ये जो है ब्लेंडर हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरे पाउडर के साथ 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला। बस ये इसके टोटल जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक और मिर्च वगैरह, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो है क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी थी। 7-8 जो है मैंने हरी मिर्च ले ली थी, लेकिन बारीक वाली, तीखी वाली, उसको जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है चॉप कर लिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं जो है हाथ से इसके ऊपर चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से जो है इन चीज़ों को मैं लगा दूंगी, और इसको जो है आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं ताकि अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएं इसके अंदर। और आप जो है फ़ौरन भी इसको कुक कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो है पकाना ही है, थोड़ा सा पानी डालकर सिर्फ कुक करना है इसको, ज़्यादा पानी नहीं डालना, तकरीबन 1/2 कप के करीब इसके अंदर पानी डालकर चिकन को जो है गला लेना है। अच्छा जी, अब जो है मैंने इसकी सारी मिक्सिंग कर दी है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन जो है आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं चिकन को मैरिनेट करके। मैं जो है इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम इसकी कुक कर लेंगे। और अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं, और आप फिर जो है सुबह में इसको जो है आप इसको कुक कर सकते हैं। बस जो है मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके, उसके बाद जो है हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब जो है चिकन को कुक कर लेते हैं। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था तकरीबन जो है मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था चिकन को, और अब जो है हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं जो है एक पतीला ले लिया है, थोड़ा खुला ले लीजिएगा ताकि एक के ऊपर एक आपको ना रखना पड़े, और ये सारे ड्रम स्टिक्स जो है मैं इसके अंदर रख दूँगी। और जितना इसका मसाला है ऊपर से वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि इसके साथ ही जो है ये सब कुक हो जाएगा। अब जो है मैं इसके अंदर 1/2 ग्लास के करीब पानी भी डाल रही हूँ, और बस ये इसी के अंदर जो है कुक हो जाएगी। थोड़ा सा जोश आएगा तो मैं इसकी आँच जो है हल्की कर इसके ऊपर ढक्कन ढाँप कर रख दूँगी, और इसको अच्छे से जो है हमें पका लेना है, अच्छे से कुक कर लेना है इसको। अब देखिए पकना स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर ही देखिए जो पानी डाला था उसके अंदर बॉईल आ रहा है। तो अब जो है मैं इसको ढककर जो है इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन ही 10 से 15 मिनट के अंदर ही पककर जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलें जी, अब जो है चिकन को चेक कर लेते हैं। इसको तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है, और सारा जो मसाला है इसका जल चुका है और सारा कोट हो चुका है, पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है। अब जो मैं करूँगी इसको कर लूँगी ठंडा, इसके बाद जो है हम इसको कर लेंगे फ्राई। इसको ठंडा करना ज़रूरी है, ठंडा नहीं करेंगे तो इसकी कोटिंग जो है उतरने लग जाएगी। तो देखिए सारा मसाला इसके ऊपर मैंने कोट कर दिया है। अब जो है मैं इसको अंडे के अंदर डिप करके इसको मैं फ्राई कर लूँगी। चलें जी, अब करते हैं चिकन को फ्राई। मैंने जो है इसको अच्छा सा ठंडा कर लिया था, और इसके ऊपर सारा मसाला जो है कोट वगैरह कर दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था ताकि अच्छे से मैं बीट कर लूँ। और ये है जी ऑयल, जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और कोई भी एग के साथ कोई भी चीज़ आप फ्राई करें, तेल को मेक श्योर बहुत अच्छा सा गर्म करें। और इसको देखें इतनी अच्छी कोटिंग करनी है,
कि अंदर अंडा जो है हर जगह लग जाए, क्योंकि अगर जहाँ अंडा नहीं लगता ना वो वाला एरिया आपको ब्लैक ब्लैक सा लगेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपकी चिकन बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। बहुत अच्छी सी कोटिंग करेंगे तो चिकन बहुत ही अच्छी, और कोटिंग के साथ जो है कलर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए मैंने अच्छी सी कोटिंग कर ली है और अब जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। एक बैच में ज़्यादा ना डालें क्योंकि ओवर हो जाएगा आपकी, जितना आपकी कढ़ाई है, जितना आपका जो है जिसके अंदर आप फ्राइंग पैन में फ्राई कर रहे हैं उतना ही डालें जितनी उसके अंदर स्पेस है, अदरवाइज़ चिकन जो है फिर टूटने भी लगेगा और लगने भी लगेगा। बस मैं इस कढ़ाई के हिसाब से जो है सिर्फ 3 जो है ड्रम स्टिक्स डालूँगी। और देखिए मैं अच्छी सी कोटिंग कर रही हूँ हाथों से ताकि कोई भी जगह जो है छूट ना जाए चिकन की। ये देखें इस तरीके से। चलिए जी अब जो है मैं इसको टर्न कर लेती हूँ, क्योंकि चिकन तो है हमारी पूरी तक कम्प्लीटली कुक्ड है, बस इसको टर्न करके अच्छा सा कलर देना है। और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया। और चिकन को जो है कभी भी हल्की आंच पे फ्राई नहीं करते जो हम एग के साथ कोटिंग के साथ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि तेल जो है सारा उसके अंदर सोक हो जाता है और चिकन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। चलें जी ये देखिए चिकन रेडी हो चुकी है और कलर देखिए कितना अच्छा आ चुका है इसका। बस अब जो है मैं इसको निकाल लूँगी और मैं दूसरी भी ड्रम स्टिक्स को जो है मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद जो है इसको सर्व करेंगे। और ये लीजिए जी मज़ेदार सी जो है भोरा फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक जो है रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप कौन कौन सी नई रेसिपी जानना चाहते हैं। और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इसी तरीके से मेरे चैनल को पसंद करते रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।